वचन में लिखा हुआ है कि और दिनों की अपेक्षा कुछ घंटे परमेश्वर के भवन में रहना ही मुझे भावता है। हमारी आराधना के संबंध को तू ग्रहण किया प्यारे यीशु, जो हृदय से की गई, मन से की गई, हमारी शक्ति और बल के द्वारा भी दी गई है प्यारे यीशु। अपने प्राण, अपने बल, अपनी शक्ति, अपने मन से की हुई प्रार्थना तू ग्रहण करता है। तू ऊपर से हमें देखता रहता है कि हमें क्या आवश्यकता है। तू देखता है कि हम किस जगह पर कमजोर हुए जा रहे हैं, तू हमें बलवान बनाता है प्यारे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद हम करते हैं भवन में आकर के। आज पिछले हफ्ते के बाद, हम एक हफ्ते बाद जब एक दूसरे से मिलते हैं प्यारे यीशु, और तब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे यीशु। उसके साथ ही साथ हम पिता, जो कुछ हम तेरे लिए देते हैं, और पौलुस उसकी पत्री में यही है कि परमेश्वर के कार्य के लिए वो जो कुछ मिलता था, वो नई नई कलीसिया बनाने के लिए वो प्रयोग में लाते थे। प्यारे यीशु, होने दे कि लोगों का मन वो तेरे लिए इतना उभर जाए प्यारे यीशु, कि अनेक कलीसियाएं और भी बने, ब्रांचेस तक कलीसियाएं बने, और कई लोगों की आत्माएं जीती जाए प्यारे यीशु। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि हम आत्मा बचाएं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल मानते रहें और चंगे होते रहें। वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था। यीशु तो हमको उद्धार देने के लिए आया, हमको बंदियों से छुड़ाने के लिए आया, हमको जेल से मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आया। वही काम हमको करना है। वो चंगी हो गई, वो अच्छी बात है। यीशु के साथ साथ भी कई लोग चंगे होते थे, पर वो उद्धार पाते थे। उनकी आत्माएं यीशु के पास खत्ते में मिलाई जाती थी। तो इसी प्रकार हम भी जो भी प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्माओं को कलीसिया में मिलाने वाले बन सके पिता। केवल आशीष को लेकर नहीं, पर वो खत्तों में इन भेड़ों को वो चरवाहों के बीच में लाया जाए, ताकि वो वचन का दूध उन्हें पिला सके पिता। हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। चंदे के लिए पिता, जो दान है, जो लोगों ने दिया है, उन्हें आप भरपूरी से और भी अधिक दिया करें। और पहली बार जब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइट नहीं है, और वहाँ पर अच्छे खूबसूरत से क्या लगा हुआ है, कूलर, मेरा दिल खुशी से भर गया। और वो खुशी के कारण ही गर्मी नहीं लग रही है, पंखा नहीं है, तब भी अच्छा लग रहा है कि हमारे चर्च में कूलर लग गए हैं। तो ये सब कुछ आपके द्वारा वो उनके मन में प्रेरणा दी गई, लोगों के मन में, जिसके कारण हम इसका उपभोग कर पा रहे हैं। उन सब के लिए हम आशीष की कामना करते हैं। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम मानते हैं। आमीन।